वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार ने गांव में जनचेतना जन चौपाल लगाई। लोगों को जागरूक करने के लिए धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के खमहार में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी द्वारा सर्वप्रथम शहीद लक्ष्मी नारायण राठिया के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं शहीद के माता पिता को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा ने जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि गांव-गांव में चौपाल लगाने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। मिश्रा ने यातायात नियमों के बारे में बताते हुए उस पर अमल करने की बात कही, जिससे वाहन दुर्घटना कम हो सके। एसएसपी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आए दिन लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर भी लोग उनको बातों में आकर फंस जाते हैं। ठग बैंक से फोन करने की बात कहकर गोपनीय जानकारी या ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे बैंक खातों में जमा पैसे को निकाल लेते हैं। बैंक कभी भी किसी ग्राहक को फोन नहीं करता है। इस तरह के फोन कॉल से बचें। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल थाने में सूचित करें। बर्तन, ज्वेलरी, सफाई के नाम पर ठग सक्रिय हैं। गांव में जाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इस तरह के अपराधों से खुद बचना है, वहीं लोगों को बचाना भी है। एसएसपी ने कहा कि गांव समाज में ज्यादातर अपराध नशे के कारण भी हो रहे हैं, इसलिए गांव को नशा मुक्त करने की आवश्यकता है। जन चौपाल में थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव, सरपंच, जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे उपस्थित रहे। धरमजयगढ़ से भरतलाल साहू की रिपोर्ट।